असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जैसे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी है, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या यहां भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो चाहे डेली वेजर है, चाहे रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, वो हमारे VDC SPOs हैं, वो हमारे VDC के मेंबर हैं, वो डेली वेजर हैं, NYC हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंटों के अंदर अपनी जो अपनी सर्विसेज सेवाएं दे रहे हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करके आवाम की खिदमत कर रहे हैं, अगर इन सब का हमने भला करना है तो हमको जम्मू कश्मीर में हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी हो। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमों को जो महीने की सैलरी मिलती है, अगर एक महीने मरकज से फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर पैसा डिले हो जाए तो यहां सरकारी मुलाजमों को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे पाती, और इसीलिए हमेशा मरकज की हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के भी काम होते हैं। और जो हमारे भाई बहन नौजवान जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनका भी भला होता है। इसलिए ये तमाम मसाइल, ये डेली वेजर्स के मसले, ये रैबरे खेल के मसले, ये रैबरे जंगलात के मसले, ये NYC और होम गार्ड के मसले, ये SPO और VDC SPOs के मसले, ये गांव गांव की और अच्छी डेवलपमेंट, ये तभी संभव है जब जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी, तब जाके ये लोगों की अच्छी खिदमत हम कर सकते हैं। क्योंकि मरकज पैसा डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग इन ये जो सरकारी मुलाजिम इनके मसले हल करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। और अगर गलती से भी यहां ऐसी सरकार आ गई जो मरकज की हुकूमत के साथ जिसका 36 का आंकड़ा होगा, जैसे यहां के कुछ सियासतदान हैं जो रोज उठते हैं ब्रेकफास्ट नाश्ता बाद में करते हैं, पहले मरकज की हुकूमत को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, अगर ऐसे लोग गलती से हुकूमत में आ गए तो क्या यहां के गरीबों का भला कर सकते हैं? यहां गरीबों मस्कीनों ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए हमको जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। मेरी आप सबसे मोतवाना गुजारिश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गांव के शहर के जम्मू के डोगरे कश्मीरी गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला OBC हमारी माताएं बहनें नौजवान बच्चे बुजुर्ग, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं हम सबको एक होकर अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अपनी नौजवान पीढ़ी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए
आने वाले असेंबली इलेक्शंस में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाके यहां गरीबों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की मदद होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं,